मध्य प्रदेश के नीमच में पदस्थ 34 वर्षीय MBBS डॉक्टर राजेश सोलंकी खरगोन अपने परिवार से मिलने आया था। रात में अज्ञात कारणों से सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर राजेश सोलंकी खरगोन के सेगावा के रहने वाले थे। पुलिस ने मृतक डॉक्टर के पास से सल्फास गोली के पैकेट जब्त किए। मृतक डॉक्टर सोलंकी हैं, इनके पास से सल्फास के पैकेट भी मिले। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतक डॉक्टर नीमच में पदस्थ थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक राजेश सोलंकी, पिता मंगला सोलंकी, ये सेगांव के रहने वाले हैं। उनके परिजन भी आ गए हैं। उनके पास से सल्फास की पैकेट मिले खाली। ये बता रहे हैं उनके परिजन की MBBS डॉक्टर। कहाँ पर पदस्थ हैं ये? अभी बता रहे हैं नीमच में पदस्थ है। क्या करा, क्या इन्होंने सल्फास कही? कोई सुसाइड नोट वगैरह? क्या शुभ नाम सर आप? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।